Good morning, children from Little Bird School. Today I am taking social science subject of standard 6th. Today's chapter is chapter number 3, Ancient Towns and Scriptures. So children, we are starting the topic. We often hear two words, culture and civilization. यानी हम सुन रहे हैं यहाँ पे दो वर्ड्स की बात हो रही है, कल्चर और सिविलाइजेशन की. डू यू नो इट्स मीनिंग? क्या आपको पता है इसका मतलब? सी, कल्चर इज अ मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. यानी कल्चर एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन लाइफ से कनेक्टेड है, रिलेटेड है और जुड़ी हुई है, ठीक है. वाइल सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग, उसी तरीके से सिविलाइजेशन डेवलप करी है ह्यूमन बींग ने, ओके, विच ही क्रिएट्स विथ हिज ओन कैलिबर स्किल्स एंड क्रिएटिव स्किल्स, जो ह्यूमन बींग ने अपने आप में से ही क्रिएट करा है. यानी अपने आप से ही उनको, उनके अंदर जो टैलेंट है, जो क्रिएटिव स्किल है, वो उस चीज़ को उन्होंने डेवलप करी है, ठीक है. इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिबिट सच अ ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. यहाँ पे कुछ अलग अलग प्लेसेस के नाम दिए गए हैं जहाँ ह्यूमन सोसाइटी ने सिविलाइजेशन को अलग ही तरीके से क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि इजिप्ट है, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम. सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ. या सेंचुरी ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ, यानी पुराने ज़माने की जो सिविलाइजेशन है वो ह्यूमन लाइफ को हर एक सदियों में, यानी हर एक जनरेशन बाय जनरेशन वो इंस्पायर करती है, किसको? ह्यूमन लाइफ को. आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी शैल स्टडी अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन. जैसे कि हम लोग सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम डीपली स्टडी करेंगे हरप्पा सिविलाइजेशन को, ठीक है. वी नो हरप्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो एज इंदस वैली सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है इंदस वैली सिविलाइजेशन, दूसरे नाम से भी वो जाना जाता है. रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हरप्पा इन 1921. यानी जो भी सारी बची हुई चीज़ें हैं, रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेर डिस्कवर्ड फ्रॉम हरप्पा. कहाँ से डिस्कवर हुआ है? हरप्पा से. कब हुआ था? इन 1921. मैनी ऑफ द प्लेसेस द सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड हरप्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ढोलावीरा, कालीबंगान, राखीगढ़ी एक्सेट्रा. See the location of the places of Harappan civilization in the map. Let's get the introduction of the town planning, some of the major cities and their features. Then our topic is, children, town planning. Organized town planning was the most important feature of Harappan civilization. Harappan civilization का एक बहुत ही important part है कि वो लोग किस तरीके से town planning को organized करते हैं, ठीक है. Then all these towns were planned in a similar way. हर एक towns का अपना अलग अलग वे से उन्होंने plan किया हुआ होता है. In all places, forts was on westward side and colony of a common people ऑन द ईस्ट साइड. देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, दैट जो भी सारे प्लेस है, जैसे किलाओं की जो जगह है उसमें, वहाँ किलाओं को वेस्ट साइड में मतलब बताया गया है और कॉमन पीपल के लिए ईस्ट साइड वाली जगह बताई गई है. सेपरेटेड बोथ ऑफ हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम. द Fort on the west was surrounded by the fortress. Most probably rules would have lived in the fort. क्या बता रहे, जो भी किला है, ठीक है, वो वेस्ट साइड पे है और वो किस तरीके से एक फोर्ट्रेस की तरीके से घिरा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स वुड हैव लिव्ड इन द फोर्ट. यहाँ पे क्या होता है, जो लोग युद्ध करने जाते हैं, जो रूलर्स लोग लड़ाई लड़ते, उनको वहाँ रहना होता है, वहाँ किले पे. ब्रिक्स वेर ऑफन यूज्ड इन द टाउन स्ट्रक्चर.
वहाँ पे ईंट और पत्थरों का भी यूज़ किया जाता है टाउन स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। लेट अस स्टडी अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीके के अलग अलग फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। मेन फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज देयर ऑर्गेनाइज्ड हाउस अरेंजमेंट। How houses were constructed in the high platforms to protect them from flood and dampness। देखो यहाँ पे क्या बता रहे, जैसे कि हरप्पन सिविलाइजेशन का जो मेन फीचर है, हाउस ऑर्गेनाइज्ड करने का जो मेन तरीका है, उनका अरेंजमेंट कैसा है कि वो लोग इस तरीके से हाउसेस बनाते हैं ताकि वो बहुत ऊंचाइयों पे हो यानी हाई प्लेटफॉर्म्स हो और जिससे हमें बचाव हो सके, जब कभी भी बाढ़ हो तो उससे हम बच सके। इसीलिए वहाँ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ के जो हाई हाउसेस हैं, वो बहुत ऊंचाइयों पर है। वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउसेस ऑफ हरप्पन वॉज दैट द मेन गेट ओपन्ड इन द लैंडलेस रेदर देन टूवर्ड्स द मेन रोड। उसका जो एक मेन फीचर है हाउस का, वहाँ पे क्या है, जैसे कि हरप्पा का जो मेन गेट है वो कैसे ओपन होता है, वो कौन सी जगह से होके जाता है, जो मेन रोड है वहाँ पे, ठीक है। हियर द सिंगल एंड डबल स्टोरेड हाउसेस वेर सीन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हरप्पन सिविलाइजेशन में सिंगल और डबल स्टोरेड हाउसेस हम लोग देख सकते हैं। रोड्स वेर वेरी कंफर्टेबल, यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे और बहुत कंफर्टेबल है। देर वेर टू हाईवेज इन द सिटी, वन ऑफ विच कनेक्टेड नॉर्थ विथ साउथ एंड द अदर कनेक्टेड ईस्ट विथ वेस्ट। यहाँ के जो रोड्स है, यहाँ के जो हाईवेज है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कैसे कनेक्टेड है, देयर वेर टू हाईवेज, दो हाईवेज है द सिटी, वन ऑफ विच यानी एक जो रास्ता है वो नॉर्थ विथ साउथ कनेक्टेड है और जो दूसरा वाला जो रास्ता है वो ईस्ट विथ वेस्ट कनेक्टेड है। देन हियर स्ट्रीट्स वेर पैरेलल इन द मेन रोड, रोड्स इंटरसेक्टेड ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ के जो स्ट्रीट्स है, ठीक है, वहाँ पे रोड्स जो है, मेन रोड है वो पैरेलल टाइप में है और रोड्स इंटरसेक्टेड विथ ईच अदर एट राइट एंगल, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरसेक्टेड यानी टच होना, ठीक है। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट द होल टाउन कुड बी डिवाइडेड इन टू स्क्वायर्स एंड रेगुलर सेक्शंस, रेक्टेंगुलर सेक्शंस। या रोड्स और स्ट्रीट्स इस तरीके से बनाए गए हैं जहाँ पूरा जो टाउन है वो डिवाइडेड हो चुका है एक स्क्वायर के शेप में एंड ऑल्सो इन अ रेक्टेंगुलर सेक्शंस। एविडेंस ऑफ नाइट लाइट सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन ऑप्टेड इन पब्लिक रोड। नाइट लाइट सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन इन अ पब्लिक रोड, यानी एक सिस्टम यानी एक फैसिलिटी दी गई है कि जितने भी सारे रास्ते हैं वहाँ पे नाइट लैम्प की फैसिलिटी हो। देयर वेर हाईली डेवलप्ड एंड सिस्टमेटिक सिस्टम फॉर डिस्पोजल ऑफ वाटर, यानी वहाँ पे जो गंदा पानी होता है वो किस तरीके से निकले उसका भी एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने वहाँ पे अरेंज किया हुआ है इन हरप्पन सिविलाइजेशन। द वाटर फ्रॉम ईच हाउस फ्लोड इन टू द स्मॉल स्वेयर एंड फ्रॉम स्मॉल स्वेयर टू लार्ज स्वेयर, यानी जो पानी है वो जब बहता है वो एक छोटे जगह से लेकर बड़े जगह तक पहुँचता है और वहाँ से वो बहता है। वाटर फ्रॉम लार्ज स्वेयर फ्लोड आउट ऑन द सिटी टाउन, जो बड़ी जगह का जो पानी है वो सिटी और टाउन से जाकर होकर जाता है और अ पब्लिक बाथ हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदारो, जो एक पब्लिक बाथ मीन्स जहाँ पे लोग अपना शावर या जो भी ले सकते हैं वो कहाँ पे पाया गया है, मोहनजोदारो में। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इन अ पॉन्ड फॉर बाथिंग, जहाँ पे एक तालाब जैसा है वहाँ पे लोग क्या है, पब्लिक बाथिंग करते हैं, ठीक है। देयर आर स्टेप्स अरेंज्ड ऑन बोथ द साइड्स टू गेट इन द पॉन्ड, वहाँ पॉन्ड तो है यानी कि तालाब है, तालाब के साइड पे स्टेप्स रखे गए हैं यानी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से लोग ऊपर नीचे जा सकें, ठीक है। देयर आर चेंजिंग रूम्स अराउंड द पॉन्ड,
किले तालाब के नज़दीक ही चेंजिंग रूम है जहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दिस पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस ओकेशन। ये जो पब्लिक बाथ है ये हम रोज़ाना यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये कोई पब्लिक फेस्टिवल्स में या रिलीजियस ओकेशंस में ही यूज्ड कर सकते हैं। In addition to this, pillared house used as assembly halls have also been found in Mohenjo-daro. हम लोग को ये भी देख सकते हैं कि Mohenjo-daro में बहुत बड़ी बड़ी पिलर वाले हाउस और असेंबली हॉल्स है, ठीक है। और हरप्पन इज एन आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। हरप्पा मस्ट हैव बीन द मेन टाउन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हरप्पा सिविलाइजेशन को सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन टाउन बताया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। द मेन फीचर्स ऑफ हरप्पा इज इट्स ग्रेनरी। अबाउट 12 ग्रेन स्टोर्स हैव बीन फाउंड इन द बैंक ऑफ रिवर रावी। यहाँ पे बताया गया है कि ये एक 12 ग्रेन स्टोर्स है जहाँ जो कहाँ पाया गया है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, यानी रिवर रावी के किनारे पे। ओके चिल्ड्रन, अप टू दिस वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।